सो गाइस, अगर आप फोटो के शौकीन हो या फिर सेल्फी लेने के शौकीन हो तो आप क्या करते हो, एक अच्छा सा फ़ोन लेते हो जो कि काफ़ी महंगा फ़ोन होता है, जिसका कैमरा मेगापिक्सल काफ़ी अच्छा होता है, और उसके बाद मतलब कैमरा जो होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, और उसके बाद भी आपका फ़ोटो अच्छा नहीं आता है। उसके बाद क्या होता है, आप सैड हो जाते हो और उसके बाद कहने लगते हो कि यार ये फ़ोन ही बेकार ले लिया। तो गाइस, ये जो आप फोटो क्लिक करते हो ना, तो 90% इंडिया के लोग यही प्रॉब्लम करते हैं कि सेल्फी वगैरह लेते हैं तो उनका फ़ोटो और अच्छा नहीं आ पाता। तो आज मैं इस वीडियो में आपको एक सोल्यूशन बताने वाला हूँ। अगर इस ट्रिक को आप फॉलो करते हो तो आप फ़ोटो काफ़ी अच्छे क्लिक कर सकते हो, और उसकी जो डिटेल्स है और फ़ोटो की जो क्वालिटी है काफ़ी मस्त आएगी। तो वीडियो को स्टार्टिंग करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आपको उस सेटिंग को क्या करना है जो मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूं। सबसे पहले आपको अपना कैमरा ऑन करना है। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हो, यहाँ पे हमारा फुल स्क्रीन है हमारा कैमरा। तो कुछ इस तरह से एक फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं सबसे पहले यहाँ पर हम, जैसे कि आप देख ही सकते हो और फुल स्क्रीन हो रखा है यहाँ पर। अब यहाँ पे करते हैं एक फ़ोटो क्लिक, और उसके बाद 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे फुल स्क्रीन से 4:3 पर यहाँ पे स्विच करते हैं। उसके बाद यहाँ पर फिर से एक फ़ोटो को क्लिक कर लेते हैं, और उसके बाद आपको यहाँ पर आप देख ही सकते हो। तो मैं आपको जो ट्रिक बताने वाला हूँ, मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर आपको आपके फ़ोन में एक डिफ़ॉल्ट जो रहता है यहाँ पर फुल स्क्रीन रहता है। तो आपको जब भी सेल्फी या फ़ोटो लेना है वो डिफ़ॉल्ट में नहीं लेना है। तो अब मैं आपको बैक आ गए, तो जो भी आपको फ़ोटो लेना है तो यहाँ पे 4:3 पर लेना है। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगता है कि फुल स्क्रीन में फ़ोटो लेना, बट मैं आपको क्वालिटी दिखाता हूँ फ़ोटो की, एक फुल स्क्रीन की फ़ोटो की क्या क्वालिटी है। तो जो कि आप फेसबुक या इंस्टा कहीं पर भी अपलोड करते हो तो उसके बाद वो पिक्सल फट जाते हैं। तो यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करते हैं, उसके बाद डिटेल्स हो जाते हैं, और यहाँ पे आप देख ही सकते हो 2.7 MB का है, और उसका जो इसका साइज है वो काफ़ी कम है। और यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करते हैं, अपना सेकंड वाले का देख सकते हो कितना साइज है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कैसा इसकी क्वालिटी आएगी आपके फ़ोटो की। तो बस यही ट्रिक थी, और यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे कि मैंने जो क्लिक किया है अपने फ़ोन से फ़ोटोज़, वो सारे इसी फ़ोन से और 4:3 से यहाँ पर क्लिक हुए हैं। तो गाइज़, यही ट्रिक थी, आई होप आपको अच्छी लगी। तो प्लीज़, और आपको ये फर्स्ट टाइम पता लगे हैं, आपको अगर क्वालिटी अच्छी आती है इस वीडियो को देखने के बाद, तो प्लीज़ ट्राई जरूर करना यार इस ट्रिक को, और उसके बाद कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ऐसी न्यू वीडियो देखने के लिए, इंटरेस्टिंग वीडियोज़, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नए आए हो। तो मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, चैनल पर आए हो तो यार सब्सक्राइब कर ही लो यार, क्योंकि